सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्वभेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तदितादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तित ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदानतिकं वन्दे हम श्री गुरुहो श्री जूता पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश शिरूपं सागरजातम सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा नितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्दुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री नित्यानन्द अद्वैत श्रीकृष्णचैतन्याप्रभुनित्यानन्द श्रियद्वैतगदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गुरी गौर राधिकाय राधिका तय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तुभक्तायो नमः हरे कृष्ण पिछले दो दिन से हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदराति सुंदर वेणु गीत की लीला प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं वैसे तो ये अगाध सागर है तीन दिन में कहना असंभव है लेकिन यथकिंचित थोड़ा सा हम स्पर्श करके रस आस्वादन कर रहे हैं तो आज हम गोपियों के द्वारा गाई हुई जो भागवतम का सबसे पहला गीत है गोप्या उचूहू एक श्लोक का आस्वादन करेंगे कृपया आप सब लोग अपने अपने ग्रंथ या जो भी दूरभाष आदि हैं उसका सब प्रयोग करके आप देख सकते हैं भागवतम दसवां स्कंध अध्याय क्रमांक 21 श्लोक संख्या सात क्योंकि ये गोपियों ने गाया है तो गीत के ऊपर गीत के जैसा है तो हम लोग भी गाएंगे उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके श्री गोप्या उचूहू

ये पीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षु गोपियों ने कहा अक्षणता आंख वालों को फलम फल इदम यह ना नहीं परम अन्य विदामह हम जानती हैं सख्य हे सखियों पशुन, गायों को अनुसयत हो एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कराकर वयस्य हम उम्र हम उम्र सखाओं हम उम्र समान उम्र सखाओं के साथ वक्तृ मुख ब्रज ईशा महाराज नंद के सुतो दोनों पुत्रों के अनुवेणुजुष्ट बंशी से ले से यही जिससे वा अथवा निपितम प्रेरित अनुरक्त प्रेममय कटाक्ष चितवन मोक्ष छोड़ते हुए गोपियों ने कहा हे सखियों जो आंख जो आंखें नंद महाराज के दोनों पुत्रों के सुंदर मुखमंडलों का दर्शन करती हैं वे निश्चय ही भाग्यशाली हैं जो ही वे दोनों पुत्र अपने मित्रों से घिरकर तथा गायों को अपने आगे आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं तो वे अपने मुखार बिंद में अपनी वंशिया धारण करके वृंदावन वासियों पर प्यार भरी चितवन से देखते हैं जो आंखों वाले हैं अर्थ जिनके पास आंख है उनके लिए हमारी समझ में देखने की सबसे बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं है तात्पर्य उपर्युक्त उदाहरण शिल प्रभुपात चैतन्य चरितमूत आदि लीला चार एक सौ पचपन से लिया गया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी टीका में इस प्रकार की है गोपियाँ यह कहना चाहती थी हे सखियों यदि तुम इस भौतिक संसार में पारिवारिक जीवन के बंधनों में ही जकड़ी रहोगे रही तो तुम्हें देखने को और क्या मिल सकेगा सृष्टा ने हमें ये दोनों आंख दी हैं तो हम सबसे अद्भुत दर्शनीय वस्तु भगवान श्री कृष्ण बलराम को देखें गोपियों को इस बात का भान था कि उनकी माताएं तथा अन्य ज्येष्ठजन जन उनकी प्रेमपूर्ण बातें सुनकर अनुमति नहीं देंगे इसलिए उन्होंने कहा अक्षणताम फलम श्री कृष्ण का दर्शन करना केवल हमारा ही नहीं अपितु सभी व्यक्तियों का लक्ष्य है दूसरे शब्दों में गोपियों ने इंगित किया कि जब भगवान श्री कृष्ण हरेक के लिए प्रेम के परम लक्ष्य हैं तो फिर आध्यात्मिक हर्ष में वे क्यों उनसे प्रेम नहीं कर सकती आचार्यों के मतानुसार एक अन्य गोपी ने यह तथा आठ से उन्नीस नंबर श्लोक तक के अन्य श्लोक कहे हैं तो तो इस प्रसंग में हमने श्रवण किया कि ऐसी क्या बात मन में छा गई कि गोपियां भगवान के वेणुवादन को सुन के जो जहां से हैं घर में हैं भगवान वन में वेणुवादन कर रहे हैं लेकिन बोल ना सकी चाहते हुए भी बोल ना सकी एक दूसरे को जैसे तो राधा ललिता को या विशाखा को या चंद्रावली श्यामा को ऐसे अलग अलग जो अपने अपने जूथ के सखियों को बोलना चाहते थे नहीं बोल बोल नहीं पाए इसका कारण यह है कि बरहा पीड़म नटवर बपू ये जो सुंदर श्लोक में हमने एक दो दिन से श्रवण किया भगवान का सौंदर्य वो मन में इतना छा गया कि वो शब्द स्पीचलेस हो गए बोल नहीं सके तो इस पर इसके बाद क्या होता है इस श्लोक के वर्णन करने के बाद जैसे हमने सुना कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं और उनका बहुत प्रिय श्लोक है जिसके वजह से वो वापस अपने पिता के पास आ गए इसके बाद होता है इति राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुवा व्रज सर्वा वर्णय भिरे भिरे श्लोक संख्या छह में देखिए वेणुरव राजन इति इति शब्द से पूर्व व्यक्ति श्लोकों को संबंध में ले लेना चाहिए कि इस प्रकार से जब भगवान ने वेणुवादन किया उस वेणुवादन को सुन वेणुवादन कैसा था सर्वभूत मनोहरम सर्वभूत मनोहरम अर्थात भूत शब्द का अर्थ क्या है यहां वो घोष्ट वाला भूत की बात नहीं हो रही है प्राणी जीव और विशेष करके एक देखा जाए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियाँ भगवान के उस रूप को स्मरण करके इतने अब्जॉर्ब हो गए इतने तल्लीन हो गए कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था क्या था वो वेणुगीत वेणु में क्या भगवान कह रहे थे वो शब्द नहीं निकल रहा था इसीलिए वो नहीं बोल पा रहे थे इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो ओमनिशियंट हैं, सर्वज्ञ हैं, यस्वानुभाव अखिलम सुतिशारम एकम है वो गोपियों के मनोभाव को जान के अपने वाणी से बोल रहे हैं कि भगवान ने उस समय वेणु में क्या कहे या लीला क्या कौन सी लीला की जैसे जैसे गोपियों का मनोभाव था जिस गोपियों का जैसे भाव था उस भाव के अनुसार सुखदेव गोस्वामी अभी बोल रहे हैं क्योंकि गोपियां तो बोल नहीं पाई ना कंठ रुद्ध हो गया तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी क्योंकि वो जानते हैं वो यस्यानुभाव अखिलम सुतिसारम एकम है वो ओमनिशेंट हैं, सर्वज्ञ हैं इसलिए गोपियों के मनोभाव को जानते हैं तो गोपियों के मनोभाव को सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं चक्रवर्ती कहते हैं वो वेणुवादन कैसा था सर्वभूत मनोरम मनोहरम ये भूत शब्द का अर्थ क्या है वट इज भूत एक तो है कि पंच महाभूत पृथ्वी वायु, अग्नि आकाश भगवान गीता में कहते हैं भूमि रोपो नलो वायु ये सब क्या है भिन्न प्रकृति है ये जड़ प्रकृति है ये जड़ है इन इन सब का अपना अपना आदिदैविक स्वरूप है लेकिन ये हमारे सामने कैसे प्रकट हुए हैं आदि भौतिक स्वरूप में जड़ता के रूप में जड़ है लेकिन उस जड़ में चैतन्य या मन बुद्धि अहंकार सोचने की ये सब नहीं है ये जो पंच महाभूत दिख रहे हैं, लेकिन यहां वर्णन आता है कि भगवान ने जो वेणुवादन किया कि ये जड़ में भी चेतना आ गई ये जो जड़ है डल मैटर है उसमें भी चेतना संचार किए तो वो जो पंच महाभूत हैं वो भी आकर्षित हो गए जड़ चेतन हो गए पत्थर पिघलने लगे और चैतन्य जड़ हो गए विपरीत प्रभाव तो इस प्रकार से सर्वभूत मनोहरम भगवान का वेणुवादन ऐसा था एक अर्थ यह भी कहते हैं सर्वेशांग भूता नाम प्राणी नाम मनोहरम ये तो सरल अर्थ सबको पता है कि सब समस्त प्राणियों को चर अचर जितने भी प्राणी हैं सबके मन को भगवान का वेणु जो है हरण कर लिया चाहे वो प्राज्ञ मनीषी विदुषी विद्वान क्यों ना हो या अनपढ़ गवार, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है शास्त्र भी नहीं जानता हो या जंगल में रहने वाले भिलेनिया क्यों ना ये सब आएगा आगे जिन लोगों ने वेणुगीत पढ़ा होगा वो सब जानते हैं कि जंगल में रहने वाले भिलेनिया हो चाहे हिरनी, हिरनी क्यों ना हो इवन एक दूसरे से देखा जाए तो गिरिराज गोवर्धन जितने भी सब हैं सब 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 भगवान के पशु पक्षी कीट पतंग ये सब भगवान के वेणुबादन से आकर्षित हो गए कोई भी बचा नहीं मैंने ऐसा नहीं कि किसको बंसी अच्छा नहीं लगता हो ऐसा कोई है ही नहीं ऐसे एक उदाहरण देखिए जिसको संगीत आता है और अलाप का अभ्यास करता है आ ऐसे करते हैं ना सुबह सुबह बैठ के है ना प्रभु जी अभ्यास करते हैं ऐसे जिसको संगीत आता है अलाप का अभ्यास करते हैं जो संगीत के अनभिज्ञ व्यक्ति जिसको संगीत नहीं आता है वो क्या सोचेगा देख के क्या प्रभु जी नौ बज गया लगता है भूख लग रहा है <laughs> तो उसको पता नहीं चलेगा वास्तव में जिसको संगीत का ज्ञान है सुबह सुबह एक राग होती है उस राग को अभ्यास करना होता है तो वो बाकी जो जो नहीं जानते म्यूजिक सेंस जिसको नहीं है वो लोग सोचेंगे गा रहे हैं कि रो रहा है इस तरह से उनका होगा निश्चित रूप से एक उदाहरण आपको देते हैं वृंदावन में निधि वन है आप सब देखे ही होंगे निधि वन में ब्रज विभूति श्री हरिदास जी का समाधि है हम सब जाते हैं तो प्रणाम करते हैं हम की हमारी क्या औकात है हमारी क्या बात है बड़े से बड़े संगीत सम्राट कलाकार ऐसे लोग आते हैं वहाँ प्रणाम करते हैं क्योंकि वो तानसेन जी के भी गुरु थे बिहारी जी के प्रकट किए थे और बिहारी जी के लिए गाते थे बादशाह अकबर जिनके संगीत सुन के दीवाना हो गए थे तो एक बार पंडित भीमसेन जोशी जी आए बड़े संगीत समय आप सब सुने होंगे नाम बड़े प्रख्यात है भारत में क्या पद्मश्री विभूषण क्या क्या पुरस्कार सब लिए हैं तो ये सब जो पुरस्कार उनको प्राप्त है बहुत प्रसिद्ध हैं तो वो शास्त्रीय संगीत के मास्टर हैं तो संगीत समारोह क्या कहते हैं श्री हरिदास संगीत समारोह चलता है हर साल कई बार हमने भी देखा है मतलब कम से कम पोस्टर तो देखा है वहाँ जाने के लिए पास की जरूरत होती है और क्योंकि ऐसे वैसे लोगों को पहले ये सब नहीं देता तो ब्रजवासी लोग भी आ जाते हैं कई बार तो ब्रजवासी लोग आते हैं और ऐसे महान संगीतज्ञ जब संगीत का आलाप लेते हैं तो ब्रजवासी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो ये लोग आपस में गा काय हाय 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 चिल्ला रहे है कोई रो रो है यह कोई संगीत है न भजन ना कोई कीर्तन कुछ नहीं है कसुना है ऐसे सब बोलते हैं तो बाकी लोग बोलते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाए संगीत का भी शुरुआत हुआ ले कैसा संगीत है हाय 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 कर रहे हैं बस तो कहने का अर्थ है भक्तों उदाहरण इसलिए है जिनको संगीत का अनाज्ञ है वो संगीत का वैल्यू नहीं समझेगा लेकिन भगवान का वेणुवादन ऐसा है कि जड़ चेतन पशु पक्षी हिरण जंगल में रहने वाले विलेनिया पत्थर और गोप गोपियों के तो कहना ही क्या है सर्वभूत मनोहरम सबके चित्त को आकर्षित कर लेता है तो यह है भगवान का वेणुवादन का तो यह इसी श्लोक में कहा गया है क्या इति वेणुरव राजन सर्वभूत मनोहर श्रुत्वा वजस्त्रिय सर्व वर्णयन बर, तो ये भगवान का वेणुवादन का इतना विशेषता है विशेष करके जैसे हमने दो दिन से यही कह रहे हैं कि अन्य रूपों से ये श्याम सुंदर रूप जो है जरा तो अपने चित्त को एकाग्र करके इन कथाओं को श्रवण कीजिए तब आपको आस्वादन करने का मिले तिरुमाला कृपया आंख खोल के सुनिए आप सामने आ जाइए तो ये ये जो भगवान का जो वेणुवादन है वेणुवादन का श्रवण वेणुवादन को श्रवण करके जो उसका प्रभाव है भगवान के अन्य स्वरूपों के अन्य स्वरूप के भक्त भी भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर सलोने रूप में आकर्षित हो जाते चाहे वो श्रीराम के भक्त हो या अन्य किसी रूप के भक्त हो यहां तक कि मायावादी भी भगवान के इस रूप में आकर्षित हो जाते उदाहरण देखिए कि महाराज से सुने हुए इसलिए आपसे आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं 1500 सदी में भारतवर्ष में सुवर्ण युग कहा जाता है क्योंकि पूरे तमाम उत्तर से लेके दक्षिण पूर्व से लेके पश्चिम हर जगह पे भगवान और भगवान के भक्त प्रकट हुए हैं जब तो गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में थे तो उनके बचपन के मित्र दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं गुरु भाई हैं और शुरू से ही रामायण का पाठ पारायण वो सुनते हैं जानते हैं सीखें तो क्रम से ऐसा हुआ कि नंददास जी ब्रज वृंदावन में आ गए और यहाँ आने के बाद आपके यही थोड़ी सी आगे जाएंगे जब जतिपुरा जतिपुरा में वो बल्लवाचार्य के शिष्य बन गए जो आप देखते हैं ना सिन्हा जी का मंदिर यहाँ हमारे आश्रम से दिखता है तो वहाँ सिन्हा जी प्रकट हुए थे गोपाल जी बल्लवाचार्य जी सेवा करते थे तो उनके शिष्य बन गए और सुध्र, सु, सुध्र, उद्ध, तिलक तिलक लगा और भगवान की प्रेम भक्ति में शरावर होके रोज गाते हैं रोते हैं और भजन करते हैं एक बार तुलसीदास जी ब्रज में आ गए और ढूंढते ढूंढते अपने मित्र से मिले नंददास जी और ये उनका स्वरूप और उनका प्रेम भक्ति देख के आकर्षित हो गए और आश्चर्य हो गए बहुत दो विद्वान दो भक्त दो कभी दो प्रेमी बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं तो ये भी बड़े प्रसिद्ध हैं रामायण के लिए तो देखिए ध्यान रखिए पॉइंट ये है कि अन्य स्वरूप के भी जो भक्त हैं कैसे श्याम सुंदर के वेणुवादन के प्रति आकर्षित हो जाते तो फिर कविता के छल में गोस्वामी जी ने अपने बचपन के मित्र नंददास को पूछे कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की वान अरे रघुनाथ में क्या कमी हो गई जो सब कुछ त्याग दिया और इधर ब्रज में आ गए क्या क्या, क्या कमी है किस लीला में कमी है रोज सुबह बचपन में तो इतना पाठ करते थे हम साथ साथ पढ़े हैं साथ साथ गुरुकुल में शिक्षा लिए हैं तो उन्होंने कि कहाँ कमी रह गई रघुनाथ में जो उनको छोड़ दिया तो उस कविता के जैसा कविता को प्रयोग करके उत्तर देते हैं नंदास जी मन बैरागी हो गये हो सुन मुरली के तान कि जब मैं वृंदावन आया भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और उनकी वेणुवादन जब मुझे सुनने को मिला उसके बाद जब गोपाल जी को दर्शन किया और बल्लभाचार्य के संपर्क में आके वो कृष्ण भक्त में देख रहे हैं उदाहरण प्रकट हमारे सामने है कि श्याम सुंदर का ये जो रूप है ये इतना आकर्षक है कि अन्य स्वरूपों के भक्तों को भी आकर्षित कर लहाँ तक कि मायावादी आपने सुना होगा मधुसूदन सरस्वती प्रकांड मायावादी वाराणसी के अनेक वाराणसी के उनके मायावादी शिष्य हैं, सबसे प्रसिद्ध इतने उनके अनेक शिष्य हैं सब वेद वेदांत और दर्शन के प्रवर्तक तो वो भी ब्रज में आए थे एक बार जब वृंदावन आता है उसका क्या हालत होता है रहे, वो भी ब्रज में आए थे जिनको क्या दिखता है हर जगह पे सर्वम खलु खलुदम कृष्ण नहीं ब्रह्म और जैसे ही बिहारी जी का दर्शन किया उन्होंने बताइए भगवान अभिज्ञ स्वराट है या नहीं किसके ऊपर कब कृपा कर दे ये हमारे हाथ में है चाहे वो मायावादी हो कोई भी गिरे हुए नीच से नीच व्यक्ति क्यों ना हो भगवान की कृपा उनके ऊपर हो गई दर्शन हो गया बिहारी जी का और वेणुवादन का श्रवण भी हो गया वापस लौट के नहीं गए और उधर काशी में हल्ला हो गया कि हमारे गुरु जी का फॉल डाउन हो गया मायावादी अगर भकत बन जाए तो फॉल डाउन हो गया सब लोग शिष्य लोग जो है सब बहुत बड़ा मीटिंग बैठा इष्ट गोष्ठी और सब लोग अपने अपने गुरु महामंडलेश्वरों को बुलाए क्या कि जैसे मानो देख आज कोई कुछ ऐसे हो जाए आदि शंकराचार्य हरे कृष्ण में मिल जाए तो जैसे हो जाए है ना ऐसे ही उस समय ऐसे हो गया था बात चारों ओर फैल गई तो सब लोगों ने आए और एक मीटिंग हुआ उनको पूछे कि क्या आप बताइए वट इज एप्सोल्यूट ट्रूथ आपकी समझावट क्या है क्योंकि ये तो परम सत्य के ऊपर बहुत व्याख्यान करते थे सर्वम खलु इदम ब्रह्म सब ब्रह्म ही है परम सत्य को व्याख्या नहीं किया अलेख है लेख नहीं सकते व्याख्या नहीं कर सकते मायावाद भाष्य का ऐसे लेकिन जब से यहाँ ठाकुर जी की कृपा हो गई महान प्रकांड विद्वान मधुसूदन सरस्वती वो सुप्रसिद्ध श्लोक लिखे बोले जो आज तक हर एक भक्त के जुआ पे है वंशी विभूषित करा नवनीर दावाद पीताम्बर अरुण बिंब फलाद और पूर्णिंद सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात्मअप तत्वम अहम न जानि आप लोग पूछ रहे हैं परम सत्य क्या है परम तत्व क्या है जिनके हाथ में वंशी है व्यमसी विभूषित तो करा और घने बादल के समान जिनका वर्ण है बिजली के समान चमकती हुई पीतांबर धारण किए हैं और बिंब फ्र। बिंब, फ्र। बिंब फल के समान लाल लाल ओंठ जिनके हैं और जिनके मुख चंद्रमा के सा है शरद पूर्णिमा के चांद को भी मात देने वाला इतना ज्योत्ना निकलता हुआ ऐसा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात और नेत्र कैसे हैं अरविंद नेत्र कमल के पोखड़ों के समान ऐसे अरविंद नेत्र है ऐसा क्यों बोल रहे हैं दर्शन हुआ तब तो बोल रहे हैं ना ऐसा नहीं कि कहीं से हम जैसे रट के बोल देते हैं श्लोक ऐसा बोलते उनके मुंह से स्वाभाविक ये श्लोक निकला क्योंकि वो दर्शन हुआ है इनको छोड़ के परम सत्य और कोई है मैं नहीं जानता और आप लोग जाने तो जाने मैं नहीं जानता सुन के सारे जो है चित्त परिवर्तन हो गया देखिए भगवान श्याम सुंदर का रूप हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये इतने आकर्षक हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं यहां कहा गया है श्रुत्वा ब्रज स्त्रीय सर्व वर्णयंतो अभिरे भिरे अभिरे भिरे अर्थात ये ब्रजस्त्रिया जो गोपियां हैं भगवान के वेणुवादन को सुन के वर्णन करने लगे देखिए प्रभुपाद जी के शिष्य लोग यहां अनुवाद करते हैं अभिरे भिरे का अर्थ क्या है आलिंगन करना इतने उन्माद हो गया उनमें कि आलिंगन करने लग गए किसको आलिंगन किए हमारे आचार्य गण इतने सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं एक एक सुनते जाइए और गिनते जाइए आलिंगन किए किसको आलिंगन किया आनंदित होके पहला कहते हैं कि प्रेम उनमें प्रकट हुआ गोपियों में वेणुवादन को के कि वो एक दूसरे को आलिंगन किए गोपियों में जब प्रेम उत्पन्न हुआ वेणुवादन को के तो दूसरे गोपियों को प्रेम से एक दूसरे के प्रति आलिंगन किए अभिरे भिरे और दूसरा प्रेम का उन्माद इतना चढ़ गया इतना ऊपर उठा कि उनको पता नहीं चला कि ये मेरे सखी है या कृष्ण है कृष्ण समझ के उसको आलिंगन किए कि यही मेरे श्याम सुंदर है ऐसा सोच के सखी को ही श्याम सुंदर सम, सोच के आलिंगन किए तीसरा मन ही मन भगवान का जो स्वरूप है उन, जो उन्होंने देखा था जो अट्टालिकाओं के ऊपर चढ़ के देखे थे कि कृष्ण बलराम कैसे छोटी छोटी गईया छोटे छोटे ग्वाल ऐसे कह के जो जा रहे हैं जो दृश्य उन्होंने देखा था वो दृश्य मन में उनको जो छा गया था मन में ही उनको आलिंगन किए अभीरे भिरे चौथा भगवान के वेणुवादन को सुन के उस वेणुवादन को ही मन ही मन आलिंगन किए कि वेणुवादन कितना सुमधुर है पांचवा भाव देह में भाव शरीर में भाव देह में अपने घर पे अपने गांव में है लेकिन एक शरीर में बन में चले गए और वहां से आम सुंदर को आलिंगन की, इतना सुंदर अर्थ हमारे आचार्य गण कहते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया अर्थ जो हमें हृदय को स्पर्श होता है वो आप सबके सामने हम व्यक्त करते हैं जो आप लोग अगर सुनेंगे तो मतलब क्या कहेंगे कि आनंद की सीमा पार हो जाएगी वो ये अर्थ है सुनिए क्या कहते हैं जिसके पास सौ रुपया है बोलूं फिर से जिसके पास सौ रुपया है वो दूसरे को पचास भी दे सकता है साठ भी दे सकता है सत्तर अस्सी नब्बे सौ कुछ भी दे सकता है क्योंकि उनके पास सौ रुपया है जिसके पास पचास रुपया है वो दूसरे को साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ दे सकता है क्या अतुल गोपाल फू नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता विकास फू तो कुछ भी नहीं है आ, तो जिसके पास है वो दूसरे को साठ सत्तर अस्सी सौ दे, दे नहीं सकता तो स्वाभाविक है कि जिसके पास कृष्ण प्रेम का भंडार है दूसरे को संचारित कर सकता है और ऐसे संचारित करके उस को भी अपने जैसा बना दे सकते हमें राइट सुखदेव गोस्वामी जब ये श्लोक बोल रहे थे महाराज परिचित के सभा में सनातन गोस्वामी क्या सुंदर व्याख्या करते हैं सुनिए। विरक्त चुड़ामणि मुनि सत्तम कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण से सुखदेव गोस्वामी भक्त शिरोमणि राजर्षि सत्तम से परीक्षित के हाथ पकड़ के खड़े हो गए और उनको आलिंगन किए अभिरे भिरे आप सोच सकते हैं क्या माहौल हुआ होगा जब सुखदेव गोस्वामी भागवत का वर्णन कर रहे हैं और इस श्लोक को व्याख्या कर रहे हैं क्यों राजन शब्द इस श्लोक में आया है, देखो हे राजन मतलब आप तो बहुत बड़े सम्राट हैं बड़े बड़े राजाओं को जीते हैं इन कली को भी जीते हैं इसलिए आप राजन हैं लेकिन यहां जो मैं कह रहा हूं हे राजन आप में भी वो भाव है जो में है इसे हाथ पकड़ के खड़े कर दिए और उनको आलिंगन की इंटरेस्टिंग ना तो ये है अभिरे भिरे भगवान का बंसी बादन को के इतने उन्माद हो जाते हैं भक्तों बंसी कई प्रकार के होते हैं आप लोगों ने कभी अगर किसी संगीत सभा में बैठे हो तो अगर कोई बंसी बजाने वाला आता हो देखें उसके साथ उसके पास कितने बंसी होते हैं देखें ना कितने होते हैं हाँ कई अलग अलग साइज के होते हैं ना इतना भी है क्या हाँ बंसी अलग मुरली अलग फिर वेणु भी अलग वेणु जो बड़ा होता है सबसे बड़ा होता है वेणु बड़ा जो होता है और ऐसे धारण करके बजाते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो वंशी है वो स्त्रीलिंग में और वेणु जो है पुलिंग में है तो वंशी गोपियां वंशी को सौत सौतन समझते हैं क्योंकि बंसी हमेशा श्याम सुंदर के पास रहते हैं और कभी भी एक पल भी शाम सुंदर से दूर नहीं होता है और हमेशा अधर पे लगे रहते हैं गोपियां कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है तुम क्यों बीच में आ गए हमारा अधिकार है हम श्याम सुंदर के पास रहे तो बंसी उनको क्या उत्तर देती है जानते हैं ये सुनने लायक है जरा सुन लीजिए बंसी गोपियों को कहते हैं अपने बारे में कहते हैं तुम जानती हो मुझे बहुत डाह करती हो ना सोतिया डाह बहुत उलाहना देती हो लालसन देती हो तुम जानती हो इस पद को प्राप्त करने के लिए भगवान के कर कमल में रह के अधरा मृत को पान करने के लिए मैंने कितनी तपस्या की है क्या क्या तपस्या की सबसे पहले सुनिए सुनते जाइए बांस ये बांस जो है घर से गांव से शहर से दूर किसी वन प्रदेश में होता है हा? तो बंसी जो बांस है वो किसी जंगल में बांस देखें, बांस का झुरमुर देखे होंगे जगह जगह पे जो ऐसे उगते हैं वो अलग थोड़ा जंगल ऐसे सिटी से बाहर होते हैं भक्त के साथ तुलना करते हैं बंसी आचार्य गण कहते हैं मैं सबसे पहले तो घर छोड़ दिया क्योंकि गांव से बाहर शहर से बाहर वो उगता है सबसे पहले तो मैं अपने परिवार से अलग हो गया मैंने गृह त्याग दिया जंगल गांव में जंगल में जाके प्रकट उसके बाद जो बंसी बनाने वाला वो क्या करता है उसमें से एक सूखा नहीं कच्चा ऐसा कोमल कच्चा बांस को चुनता है काट देता है अर्थात मैं वंशी बांस कह रहे हैं वंशी कह रहे कि सबसे पहले मैं उगा तो बाहर कहाँ मेरा जन्म हुआ किसी गांव में जन्म होने के बाद अपने परिवार से अलग हो गई अलग हो गई ना काट के लेते हैं ना बंसी को बांस को काट के लेते हैं और क्या करते हैं पहले तो अलग हो गई बंसी कहते कि मैं अलग हो गई भक्त के साथ तुलना करते हैं तो आप सुनते जाइए परिवार से अलग हो गए जैसे ही कोई भक्त बनता है तो सबसे पहले तो परिवार से वो अलग ही हो जाता है और बिरादरी वाले कहते हैं क्या हुआ आजकल फ़ोन नहीं करते हैं व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं उनका ग्रुप चेंज हो गया ऐसे कहते हैं कोई शादी विवाह पार्टी में भी नहीं आते हैं माता जी हँस रही समझ रहे होंगे हा? परिवार वाले यही कहते हैं क्या आजकल घर में आते नहीं रिश्ते नाते सब ननिहाल वाले सब ऐसे कहते हैं क्योंकि भक्त तो हो गए ना अलग हो गए बंसी अलग होगी उसके बाद क्या हुआ वो बांस को लेके बंसी बनाने वाला सबसे पहले छीलता है चिलता है क्योंकि उसको बराबर साइज में बनाना होता है उसको पहले छिलता है तो भक्तों लोग जब एक बार परिवार से अलग हो गए और भक्त के संग में आ गए तो छिलना प्रारंभ हो जाता है शुद्धिकरण बिल्कुल प्यूरिफिकेशन होता है किसको प्यूरिफिकेशन होना हो तो बस संग में आ जाइए छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग प्यूरिफाई कर देंगे हमें। ऐसा छिलते हैं हमें अब बस पूछो मत एक के बाद एक के बाद इवन कल का आया हुआ छोकरा भी हमें आंख दिखा देता है ये ये हो गया वो हो गया तो छिलना शुरू हो जाता है बांस को छिलना शुरू करते हैं तो यहां भी संग में आके हमारी प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है कई प्रकार के यहाँ यहां अभी रुके नहीं आगे सुनो क्या होता है बंसी को जब छिलते हैं उसके बाद छेद करते हैं छेद करते हैं क्योंकि सूखा बांस में छेद नहीं हो जाता वो टूट सकता है बंशी जब कच्चा बांस जब कच्चा रहता है छिल ये छिलने के बाद उसमें छेद करते हैं अलग अलग छेद वो छेद जो है इतना कष्टदायक हो पताओ किसके हृदय में ड्रिलिंग करना अच्छा लगेगा विकास जी करते हो ना अच्छा लगेगा कष्ट होता है तो ये छेद क्या है जैसे ही हम इस भक्तों के संग में आ जाते हैं सबसे पहले ये जो गुरु वैष्णवों का आदेश है हा? ये करना है वो करना है ये नहीं करना है वो नहीं करना है ये इतना सब नियम चौसठ प्रकार के नियम बता देते हैं ये करना है वो करना है जितने भी सब गुरु वैष्णवों का आदेश है भले हम नहीं चाहते कौन चाहता है छेद होना अपने शरीर पे छेद होना कौन चाहता है कौन, कोई नहीं चाहता लेकिन बंसी कहते हैं जानते हो कितना तपस्या है ऐसे ही मैं भगवान के अधर पे नहीं बैठी हूँ छेद होता है मेरे ऊपर एक नहीं सात सात कितना मैंने सहन किया तुमको पता है गुरु महाराज इधर डांटते हैं टेम्पल प्रेसिडेंट डांटते हैं तो कमांडर भी कुछ बोलता है तो काउंसलर भी, भी कुछ बोलता है ये भी कुछ बोलते हैं और सगे संबंधी सब बोलते हैं रिश्ते नाते कम बोलते हैं अरे देखो बी टेक एम टेक किया और बस बाबा हो गया इतना पढ़ाई लिखाई किया उसका क्या लाभ है रिश्ते नाते कम नहीं बोलते हैं सगे संबंधी परिवार के लोग भी ये सब छेद जो है ना चाहते हो तो, किसको अच्छा लगता है नहा चाहते हुए भी नियम पालन करना पड़ता है नहा चाहते हुए भी सुबह उठना पड़ता है मंगल आरती आना पड़ता है क्लास में बैठना पड़ता है कहते हैं कि छह बजे तक बैठना है जब करके उससे पहले हिलना नहीं है फिर भी साढ़े पांच बजे निकल जाते हैं नहा चाहते हुए भी कोई पीछे पड़ जाता है हमें छेद नहीं तो और क्या है किसको अच्छा लगता है ये करो वो करो बहुत सारे नियम है ये सब ये छेद हमारे ऊपर होता है बंसी कहती है देखो कितने छेद है हमारे ऊपर इतना सब घाव को मैं सहन किया हूं कहां से ले गुरु महाराज से लेके टेम्पल कमांडर से लेके मैनेजर से लेके न्यू भक्त के छेद भी मैंने सहन किया हूं उसके बाद सुखाया जाता है धूप में धूप में सुखाते हैं तब तो वो बनेगा स्ट्रांग धूप में डालते हैं सुखाना तेल डाल के तेल डाल के धूप में सुखाते हैं ताकि वो बनेगा स्ट्रांग तो धूप में सुखाते हैं अर्थात तपस्या करते हैं किसी को अच्छा नहीं लगता है मार्गशीर्ष पोष मार्ग में चार बजे उठने का लेकिन तपस्या करते हैं किसी को भी अच्छा नहीं लगता एकादशी में बिना खाए सोए बिना खाए पिए तपस्या करने फिर भी करते हैं किसी को भी अच्छा नहीं लगता है पुरुषोत्तम कार्तिक व्रत आदि करने के लिए फिर भी करते हैं जैसे बंसी के ऊपर तेल लगा के धूप में सुखाते हैं ऐसे जानते हो कितने तपस्या कितने व्रत कितने उपवास कितने पुरुषोत्तम कितने कार्तिक व्रत करते हैं इतना आसान नहीं कि भगवान के अधर पर बैठ जाना है तो बंसी ऐसे गोपियों से कहती है इतना तपस्या व्रत करना पड़ता है तब जाके वो योग्य बनता है और फिर सूखने तेल लगा के धूप में सुखाने के बाद धूप में सुखाने से जब स्ट्रांग बनता है क्या मान अपमान सब सहना पड़ेगा जितना मान मिलता है उतना अपमान भी मिलता है आप गलती किए ना हो फिर भी बोले ऐसा क्यों किया गलती ना हो फिर भी लांछन आ जाता है अपमान हुआ कि नहीं वो सब सहना पड़ता है इतना सब धूप गर्मी सर्दी उस सब सब सहन करना पड़ता है और धूप में सुखाया जाता है उसके बाद वो बंसी टक टक ऐसे वो स्ट्रांग बन जाता है फिर उसको भगवान को चढ़ाया जाता है भगवान को अर्पण किया जाता है भगवान उसको बांसुरी को बजाते हैं तो ऐसे जो बंसी कष्ट सहते हैं प्रत्येक भक्त के जीवन में इस प्रकार से कष्ट आता है और ऐसे कष्टों को सहन करके सारे तपस्याओं को करके जब उपयुक्त होता है तब भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं इतना आसान नहीं है श्री कृष्ण को प्राप्त करना बंसी की तरह तपस्या करना पड़े यही बात बंसी गोपियों को कह रहे हैं तुम हम, हम हमें उलाहना देते हो कि तुम हमेशा कृष्ण के कर कमल में और अधरा मुत में बैठते हो इतना सब करोगे तब कृष्ण मिलेंगे तो ये है बंसी तो आज के इस श्लोक में गोप्य गोप्या उचूहू गोप्यू कहते हैं क्या कहते हैं हे सख्य अक्षुणताम इदम फलम विदाम न पर जिनके पास आंख है किन पास आंख है हाथ उठाओ सबके पास है कहते हैं गोपियां जिनके पास आंख है, है सखियों एक दूसरे से बात कर रहे हैं मैं तो आंख वालों का जीवन को ही धन्य मानता हूं और उनके आंखों का सबसे बड़ा लाभ क्या है देखिए श्लोक वयस्य पशु अनुबिवेश हो ब्रजेश सुतो अनुबेणु जुष्टम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षं वक्त्रं निपीतम किनकी आंख धन्य है किनको हम कहेंगे असली आंख वाले कहते हैं जब श्याम सुंदर श्रीकृष्ण गौर सुंदर बलराम जी ग्वाल बालों के साथ गाय गाय चराने के बहाने गाय गाय को हाँक कर वन में ले जाते हैं वन से ब्रज में ले आते हैं या एक वन से दूसरे वन में जाते हैं तथा जाते जाते अपने अधरों में मुरली को रख के एक सुंदर वेणु गीत का एक पोस्टर प्रिंटिंग हुआ है आपने देखा होगा भगवान का वादन करके कैसे जाते हैं गाय चराने हुए बहुत फेमस पेंटिंग है वृंदावन में मिलता है तो उसमें ये ये, ये जैसे श्लोक में वर्णन है वो तो माताजी ने वैसा ही पेंटिंग किया है ये दुरानी माता ने। तो मुरली को धारण करके अपनी प्रेम पूर्ण तिरछे से थोड़ा सा श्याम सुंदर पीछे रहते हैं वो पेंटिंग में भी आप देखेंगे बलराम जी थोड़े आगे रहते हैं और जानबूझ के श्याम सुंदर थोड़े पीछे रहते हैं और उनकी नजर को आप वो पेंटिंग में देखिए बिल्कुल जैसे बना वर्णन हुआ है भागवत में तिरछे चितवन से सारे गोपियों को देखते हुए जाते हैं और ऐसे उस समय जो उनका सुंदर मुख चंद्रमा है उसको जिसने देखा है ये ही आंख जो है सौभाग्यवान है सोई रसना जो हरी गुण गावे जी वो जीवा धन्य है जो जीवा हरी के गुण गाता है नैनन की छवि यही चतुरता जो मुकुंद मकरंद ही धावे सोई रसना जो हरी गुण गावे वो आंखें धन्य है जो मुकुंद के मकरंद को दर्शन करने के लिए मुकुंद को दर्शन करने के लिए धावित हो जाता है वो जीवा धन्य है जिस जीवा में हरि गुण गाते हैं तो गोपियां यही कह रहे हैं ये धाम जो है भक्तों ये जो जिस धाम में हम बैठे हैं ये उनका निज घर है इसी धाम में तमाम संत लोग अनगिनत अनादिकाल से यहां आके भजन भक्ति करके भगवान का दर्शन भगवान का कृपा पात्र किए हैं इसलिए सबसे सरल विधि ये है अपना ज्ञान गुमान को बाजू में रख के फिर से रिपीट करो अपना जो भी विद्या पांडित्य एम और ये जो भी है बहुत अच्छा है करना ही चाहिए सब वेदांती बनना है बिना दांत वाले भक्ति वेदांत सबको बनना है मना नहीं है लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें इसी जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो सबसे सरल उपाय जो भागवतम का सार है जिसको जड़ भरत जी राजा रघुगण को बोले हैं जो प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोले हैं कि किसी निष्किंचन भजन निष्ठ प्रेमी भक्त के शरण में चले जाए ऐसी भक्त के शरण में जाके उनसे श्रवण उनकी सेवा उनके चरणों की धूल उनकी आज्ञा का पालन ऐसा प्राप्त करके अपने जीवन को अगर वैसे ढाल दे मोल्ड कर दे तो वैष्णव कृपा से भगवत कृपा से असाध्य भी साध्य हो सकता है भले वो पंडित हो वेदांति हो या बिना दांत वाला हो या कुछ भी हो वो वास्तव में ये सरल बहुत ही सहज उपाय है आप सब पढ़े में रघुगण जी को जड़भर जी कहते हैं और प्रहलाद महाराज को भी कहते हैं निष्किंचन भक्त ऐसे भक्त मिलेंगे कहाँ कहाँ मिलेंगे विकास जी कहाँ मिलेंगे ऐसे भक्त ढूंढना पड़ेगा गूगल सर्च ऐसे भक्त हैं प्रभुपाद प्रभुपाद के हम संग कर रहे हैं ऐसे भक्त के सेवा का अवसर हमें मिला नहीं हमें वो सौभाग्य नहीं मिला लेकिन शिल प्रभुपाद जी के जितने भी वरिष्ठ शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु के मूड को मनोभाव को मनोभिष्टम को जान लिया है और उसी को वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं जीवन में उतार के प्रचार प्रसार कर रहे हैं ऐसे फिर से कह रहा हूं अनन्य भजन निष्ठ प्रेमी निष्किंचन भक्त इनकी अगर सेवा शुश्रूषा श्रवण और उनके आदेश से अपने जीवन को मोल्ड कर लें चाहे वो मंत्रदाता दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो ऐसे भक्त के चरणाश्रित हो गए अगर अपनी सेवा भाव से अपनी आचरण से उनको प्रसन्न कर लें तो फिर देखिए जैसे उदाहरण बताया गया है कि जिसके पास सौ रुपया है रिपीट कर रहा हूँ वही दे सकता है दूसरे को जिसके पास प्रेम भक्ति है वही दूसरे को संचारित कर सकता है हमें सब शास्त्रों को अध्ययन करना है बिल्कुल अच्छी तरह से करना है लेकिन कैसे करना है जैसे मैंने कहा वंशी ने कितना तपस्या किया अरे कितना उलाहना कितना लाछन कितना प्रताड़ना कितने ताने कितने आक्षेप भक्त लोग सहन नहीं करते हैं। और इतना करने पर भी अगर सहन नहीं हो पाता है अगर हम भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं संस्था को छोड़ के चले जाते हैं कहाँ भगवान के अधर मिलेंगे हमें अधरा मिलेगा बंशी की तरह ऐसे ही कठोर तपस्या और सब कुछ सह के भगवान को एक एक उड़ीसा के महाराज जी हैं पूज्य हल्दर महाराज आप सब सुने होंगे वो बहुत सुंदर वाक्य कहते बताइए भगवान गुरु और वैष्णव में किसको प्रसन्न करना आसान है और किसको प्रसन्न करना कष्ट है भगवान तो साक्षात रूप से हमारे सामने नहीं है आप जैसे भी श्रृंगार करो भगवान श्रींगार प्रभु जी ने एक बार ऐसे श्रृंगर किया आज प्रभु जी ने दूसरा कल प्रभु जी ने और एक बार अलग अलग प्रकार से श्रृंगार करते हैं अलग, अलग अलग प्रकार से दिखते हैं भगवान को अपनी तरह से अपनी तरफ से जितना हो सके कर लेते हैं रही बात गुरु महाराज की क्या हम अपने जीवन में गुरु महाराज को प्रसन्न करते हैं या कर पाएंगे क्या हमने महाराज श्री के जो भी आदेश उपदेश हम हमारे लिए है या उनके वाणी के द्वारा जैसे भी हो क्या हम उसमें खरे उतरे हैं पूछना चाहिए हम अपने आप को तो यह भी बहुत कष्ट है क्या मान लीजिए किसने वैसा कर भी दिया सबसे जो परीक्षा की घड़ी है वैष्णवों के साथ हम अपने लिए कह रहे हैं जिस जिन वैष्णवों के साथ रहते हैं उन वैष्णवों के साथ के सब कुछ सहन करके प्रसन्न करना यह दी डिफिकल्ट है चुनौती है आप जानते हैं हमारे जो डी टी ओर शिप के जो एक बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं प्रभु जी जानते हैं शीतलांग प्रभु शायद उनका वो कह रहे थे एक बार पुणे मंदिर आए थे प्रसाद ले रहे थे बेट में कनाई कृष्णभु हम लोग तो बैठे थे वो कह रहे थे बहुत सुंदर बात साधारण सी बात लेकिन बहुत मतलब विचार करने लायक है वो कह रहे थे इफ़ यू वॉन्ट टू नो ए डिवोटी वो इज एक्चुअल डिवोटी इफ़ यू वांट टू नो अबाउट ए डिवोटी हाउ इज़ ही यू आस्क इज रूम मेट रूममेट ये बहुत चुनौती है मान लीजिए दो तीन भक्त एक रूम में रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं क्या उनमें कुरुक्षेत्र होता है या वृंदावन होता है मतलब कैसे रह रहे हैं आप सब समझ रहे होंगे तो ये, ये वो कह रहे थे कि किसी भक्त प्रभु जी भक्त कैसा है तो सीधा सीधा उतरते हैं वास के रूममेट तो ये हमारे लिए सब चुनौतियों को स्वीकार करके हम गुरु वैष्णवों के आदेश में अपने जीवन को मोल करके भक्ति करते हैं तो हो सकता है इसी जीवन में या किसी जीवन में बंसी के तरह एक दिन भगवान की सेवा में हम लग जाएंगे तो प्यारे भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको पिछले तीन दिन से हमने जो भी गुरु महाराज के मुखार्बिन से और प्रभुपात से और अन्य आचार्यों के टीकाओं से जो भी पढ़ के जो भी समझ में थोड़ा बहुत आया उसको आपके सामने परिवेशन किए इसमें जो भी श्रेय जाता है ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगन शिल का और जो भी कमी है त्रुटियाँ हैं आपको लगा तो हमें वापस कर दीजिए ताकि हम उसको ले के अपने आप को सुधारें आप सब लोग धैर्य के साथ आंख खोल करके कान खड़े करके इतने दिनों से श्रवण कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपसे स्पेशल विनती है कि कृपया आने वाले दिनों में फुल प्रेजेंट रहने का प्रयास करें और अन्य अपने सभी साथी भक्तों को भी बताएं क्योंकि परम पूज्य इसको बंद कर दो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आ रहे हैं देखिए सन्यासी लोग आएंगे अगर हम दो चार बैठेंगे तो कैसा लगेगा हम एक सन्यासी गुरु महाराज को सबको बुला रहे हैं हमारे उपस्थिति संपूर्ण होना चाहिए कृपया इसको करवत बिनती है आप सबसे सबको बोलिए कि आने वाले दिनों में इतने महान भक्त आ रहे हैं पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज हमें सुनाएंगे भागवत का सर्वश्रेष्ठ प्रसंग जिसका नाम है गोपी गीत तो आप सब बहुत संख्या में आके फुल प्रेजेंट रहिए और महाराज को और वक्ताओं को भी उत्साह प्रेरणा दीजिए यही बाणी को विराम देते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथरा भागवत महापुराण की वेणुगीत की प्रभुपाद की मिताई गौर प्रेमानंदे हरि वो